नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ के अथरौलिया विधानसभा क्षेत्र के निरीक्षण भवन में सोमवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला कार्य समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि प्रदेश कार्य समिति सदस्य साकेत सिंह व विशिष्ट अतिथि पुरुषार्थ सिंह रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नीरज तिवारी व मोर्चा जिलाध्यक्ष लालगंज ने किया तथा संचालन समर प्रताप सिंह ने किया। कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम पंडित दीनदयाल उपाध्याय तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण किया गया। उसके बाद वंदे मातरम का गाना गाया गया। तत्पश्चात नीरज तिवारी द्वारा मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथि का माल्यार्पण व अंग वस्त्र तथा मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथि ने आए हुए सभी पदाधिकारियों से परिचय प्राप्त किया। वही हाल में कार्यकर्ताओं की संख्या अधिक होने पर नीरज तिवारी को बधाई दी। इस दौरान उपस्थित मंडल अध्यक्ष तथा पदाधिकारियों से विभिन्न चलाए जा रहे अभियानों के बारे में जानकारी हासिल की, तो वे कुछ कार्यकर्ताओं की अनुपस्थिति होने पर उनका कारण पूछा गया। ऐसे सुनाते हैं कि मुख्य अतिथि प्रदेश कार्य समिति सदस्य साकेत सिंह ने टीवी 20 न्यूज हुई बातचीत में क्या कुछ कहा। जिला कार्य समिति की बैठक अथरौलिया डाक मंडल में की गई है, क्या दिशा निर्देश दिए गए इसके बारे में? जी, जिला कार्य समिति की बैठक यहाँ की गई है, यहाँ क्या दिशा निर्देश दिए गए कार्यकर्ताओं लोगों या पार्टी के कुछ भी कर रहे? देखिए, आज जिला कार्य समिति की यहाँ बैठक सम्पन्न हुई है और प्रदेश द्वारा हम लोग आगामी चुनाव जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं सन 2022 में, उसमें हम लोग का लक्ष्य 350 का शुद्ध है। और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के प्रांशु दत्त द्विवेदी जी ने हम लोग को प्रदेश से यहाँ भेजा है और बताया है युवाओं को आगामी हम लोग के कार्यक्रम जितने भी होने वाले हैं उसका हम लोगों ने निर्देश दिया है। आगामी चुनाव के लिए सर यहाँ पे भी कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं उसके बारे में? दिशा निर्देशों में आने वाले समय में युवा सम्मेलन है, ऐसे करके तमाम कार्यक्रम आ रहे हैं, उस सारे कार्यक्रमों का हम लोगों ने विवरण यहाँ पे। युवाओं को सर कोई देना चाहते हैं, कोई बताना चाहते हैं? युवाओं को बताना चाहते हैं कि हम लोग एक बूथ 20 यूथ हम लोग का एक लक्ष्य और नारा है, उसको सार्थक करते हुए हम लोग आगामी चुनाव जीतेंगे और प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता मजबूत रूप से खड़ा है और आगामी चुनाव हम लोग को जिताएगा।